यूपी के बरेली में ये बड़ा हादसा हुआ है। दो बसों की टक्कर हुई है। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में 1 महिला, 3 बच्चे, 2 पुरुष हैं, और जबकि 36 से ज्यादा यात्री इसमें जख्मी हुए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 24 पर धनेटा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। ड्रिंक कर रखी थी, पी रखी थी, और उसकी गाड़ी चलाने का तरीका शुरू से ठीक नहीं था। फ्लाईओवर पे इतने बुरे तरह से गाड़ी चला रहा था कि कभी भी फ्लाईओवर को क्रॉस कर जाता कुछ शायद नीचे गिर जाती गाड़ी। और खड़ी हुई बस में उसने टक्कर मारी है। इट प्रूव्स कि वो कितना ख़राब ड्राइवर रहा होगा, शायद उसने पी भी रखी होगी। और उसके बाद कई लोग घायल हो गए। जो आगे की बस के लोग थे वो शीशे तोड़ के पीछे वाली बस में आ गए, और भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। एक आदमी वहाँ पर गिरा हुआ था, उसके बहुत खून था और बहुत खतरनाक हादसा। ड्रिंक क्या हुआ था वो? हाँ, जहाँ तक ख्याल है उसने शायद ड्रिंक कर रखी थी। खराब होने पे वो बस खड़ी थी। वो सामान लेने गए थे, कुछ जन्म मिस्त्री को लेने गए, ये पीछे से रोड पे जाए, इसने टक्कर मार दी उस बस पे। दिल्ली से रोडवेज बस आ रही थी और बीच में रात वॉल्वो बस उसी रूट की रुकी हुई थी और बहुत तेज स्पीड में आई, एक्सीडेंट हुआ। कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक 5-6 लोगों की मौत हुई है। 5 सिद्धिविनायक में पहुंचे मेरे तक, 1 यहाँ जिला अस्पताल में। कितने लोग घायल हुए? सुबोध मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुबोध, कैसे ये हादसा हुआ? फिलहाल अभी कितने यात्री हैं जो ज्यादा गंभीर हैं? अगर घायलों की बात करें तो घायलों की संख्या लगभग 1 दर्जन है जो ज्यादा गंभीर है, और टोटल अगर घायलों की बात करें तो टोटल घायलों की संख्या करीब 3 दर्जन है, और जो कि जिला अस्पताल और अन्य अपने अपने विभिन्न अस्पतालों में भी भर्ती किए गए। वहीं जो हादसे के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये एक वोल्वो थी, वोल्वो खड़ी हुई थी रोड के किनारे, इतने में अचानक एक पीछे से रोडवेज आती है और पीछे से उसके जबरदस्त टक्कर मार देती है। इसी दौरान चूंकि वोल्वो ये ऊपर स्लीपर इसमें बना हुआ था, जो स्लीपर में ऊपर लोग महिलाएं और बच्चों के साथ लेटे हुए थे, तो उसमें जो बच्चे और महिलाएं जो थी, उसी लिए मौके पर स्पॉट पे ही 6 लोगों की मौत हो गई और जबरदस्त वहां पर हाहाकार मच गया। आनंद फानंद में जैसे वहां पर तहसीलदार और इन सब लोगों ने किसी तरीके से एम्बुलेंस बुला के और तत्काल सारी व्यवस्था दुरुस्त करके जैसे तैसे घायलों को जिला अस्पताल और विभिन्न अस्पताल भिजवाया। जी शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।